भी ब्रह्मपुत्र नदी पर बने देश के सबसे लंबे पुल को देश के नाम समर्पित करेंगे। इस पुल से पूर्वोत्तर का सफर कई घंटे छोटा हो जाएगा। वहीं चीन के बॉर्डर तक सेना की पहुंच में भी अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तैयार है देश का सबसे लंबा पुल, शुक्रवार को पीएम करेंगे उद्घाटन। अब चीन के दरवाजे तक होगी भारतीय टैंकों की धमक। असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर बना ये हिंदुस्तान का सबसे लंबा और सबसे ताकतवर पुल है। नाम है ढोल सदिया पुल। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह पुल 60 टन वजनी युद्धक टैंक का भार भी उठा सकता है। यानी इस पुल से गाड़ियों की तरह ही सेना के भारी भरकम टैंक सर पर दौड़ सकते हैं। इसकी इन्हीं खूबियों ने चीन की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल ये पुल असम के सदिया को अरुणाचल के ढोला से जोड़ता है। ढोला पहुंचने के बाद LAC यानी चीनी बॉर्डर की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम रह जाती है। यानी युद्ध की स्थिति में चंद घंटों के भीतर भारतीय टैंक चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बॉर्डर पर तैयार खड़े होंगे। 125 किलोमीटर लंबे इस पुल से असम और अरुणाचल के बीच का सफर 4 घंटे छोटा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि असम में प्रधानमंत्री मोदी एक साथ दो जश्न मनाने जा रहे हैं। केंद्र में उनकी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं और बुधवार को ही असम में BJP की पहली सरकार का पहला साल पूरा हुआ है। असम को पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है और पूर्वोत्तर राज्यों पर मोदी सरकार और BJP की खास नजर है। जहां पहले अरुणाचल प्रदेश और फिर मणिपुर में BJP ने सरकार बनाई है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार के 3 साल के जश्न की शुरुआत भी गुवाहाटी से कर रहे हैं, जिसे नाम दिया गया है मोदी फेस्ट। इसके लिए BJP ने 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने की तैयारी की है। इस कार्यक्रम के जरिए मोदी अपनी सरकार की उपलब्धियों का हिसाब देंगे, जिसे बाद में BJP शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बाकी राज्यों में प्रचारित करेंगे। अंदर की बात में आज